दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। वहीं आपके नेताओं पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर आप और बीजेपी आमने सामने हैं। वहीं केजरीवाल और दिल्ली के एलजी के बीच भी अक्सर तकरार देखी जाती है। अब केजरीवाल एक बार फिर एलजी के निशाने पर है। इस बार 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट और विजय घाट पर नहीं पहुंच सके। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल सक्सेना ने 10 पॉइंट में लिखे इस लेटर में आरोप लगाया है कि तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। एलजी ने यहां तक लिखा है कि सिर्फ अखबारों में विज्ञापन जारी कर देना काफी नहीं है। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को जो लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि बहुत दुख और निराशा के साथ मैं आपके संज्ञान में आपके और आपकी सरकार की ओर से कल गांधी जयंती और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की सालगिरह पर आयोजित समारोह की उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एलजी ने आगे कहा कि मैं ये बताने को विवश हूं कि ना तो आप और ना ही आपके कोई मंत्री राजघाट या विजय घाट पर मौजूद थे, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, सभी दलों के नेता, विदेशी दूत और आम लोग बापू और शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। एलजी ने कहा कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री बेवन से कुछ मिनटों तक मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने इसे वहां रुकने लायक नहीं समझा। बता दें कि राजधानी दिल्ली में गांधी जयंती के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। गांधी जयंती के मौके पर ज्यादातर नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए बापू को याद किया, जबकि दिल्ली के उपराज्यपाल और अन्य पदाधिकारियों ने लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती के मौके पर उनकी समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित किए। लेकिन सीएम केजरीवाल ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा और प्रोटोकॉल को तोड़ा, जिससे दिल्ली के एलजी नाराज हो गए हैं और केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है। हालांकि एलजी के इस चिट्ठी से आपको जबरदस्त मिर्ची लगी है। आम आदमी पार्टी ने बयान देते हुए कहा है कि पीएम के कहने पर इसे लिखा गया है। आपने कहा है कि मुख्यमंत्री पिछले कई सालों में हर बार गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती समारोह में शिरकत करते रहते हैं, लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री गुजरात में थे और इसलिए कार्यक्रम में नहीं जा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएस न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।